दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने उत्तर भारत की नदियों के अपवाह तंत्र के अंतर्गत गंगा नदी तंत्र का डिस्कशन किया था। आज हम उसी श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण नदी तंत्र का डिस्कशन आपसे करेंगे, जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, ये नदी पूर्वोत्तर भारत की बड़ी महत्वपूर्ण नदी है, जो कई राज्यों को कवर करते हुए फाइनली गंगा में मिलके और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ देखें, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के कुछ बड़े नदी तंत्रों में से ये एक है, पर भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र है, लार्जेस्ट है जल की मात्रा के आधार पर, लंबाई में नहीं। लंबाई में तो सबसे लंबी जो है वो गंगा नदी है, लेकिन जब हम जल के वॉल्यूम की बात करते हैं, वाटर वॉल्यूम की बात करते हैं, जल की मात्रा के संदर्भ में बात करते हैं, तो ये भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। लंबी नदी अलग है और बड़ी नदी अलग है। तो अब अगर भारत की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो वो हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी है, क्योंकि इसमें गंगा की तुलना में जल की मात्रा ज़्यादा होती है। इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जिनमें से आधे से ज़्यादा, जिसको हम कह सकते हैं 1700 किलोमीटर तो तिब्बत में प्रवाह होता है। अगर अभी हम मानचित्र इसका देखेंगे, 1700 किलोमीटर तो तिब्बत में, 900 किलोमीटर भारत में, और 300 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश में इसका प्रवाह होता है। जैसे मानचित्र अगर आप देखें इसका, ब्रह्मपुत्र नदी का, ये देखें, ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र, ये देख रहे हैं, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आई हुई है। ये ब्रह्मपुत्र पहले कहाँ जाती है, यहाँ, कहाँ, तिब्बत में। इसका और हम अगर मानचित्र देखें आपको, जैसे आपने पहले इसमें देखा था ब्रह्मपुत्र नदी को, यहाँ देखें, ये देखिए एग्जैक्ट फिगर जो है, यहाँ कैलाश मानसरोवर से जहाँ हमारी गंगा और सतलज और इंडस नदियाँ निकल रही हैं, यहाँ से शुरू होती है ब्रह्मपुत्र नदी। देख रहे हैं, ये यहाँ यारलुंग शांगपो कहलाती है, कहाँ, तिब्बत में, और उसके बाद सीधा पूरब की तरफ प्रवाहित होते, बिल्कुल सीधा साउथ मुड़ जाती है, यहाँ नमचा बरवा की तरफ, अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा जो श्रेणियाँ हैं, यहाँ नमचा बरवा आपको काटते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, और उसके बाद फिर वापस पश्चिम की तरफ मुड़ती है, और यहाँ आके फिर गंगा नदी जो यहाँ आ रही है, जिसे हम पद्मा कहते हैं, यहाँ आके फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये पूरा एक लंबा कोर्स है, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है वो 1700 किलोमीटर कहाँ है, तिब्बत में। उसके बाद यहाँ भारत में ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से होती हुई पूरा मेघालय, नागालैंड, मेघालय, आसाम होते हुए फिर यहाँ आ जाती है बांग्लादेश बॉर्डर पर। ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये बांग्लादेश है। इस बांग्लादेश में यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रिय 300 किलोमीटर की दूरी लगभग इस बांग्लादेश में तय करती है, और उसके बाद इस पद्मा से मिलके मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये पूरा इसका एक रिवर कोर्स है, किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर्स राइजेस फ्रॉम, अभी हमने देखा था चिन्मयानुदुंग ग्लेशियर, ये चिन्मयानुदुंग ग्लेशियर कहां है, ऑफ द कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक, वही मानसरोवर लेक जहां से बाकी एंटीसीडेंट जो रिवर्स हैं, एंटीसीडेंट ड्रेनेज की, चाहे वो सतलज हो चाहे वो इंडस हो, गंगा उसके पास से नीचे निकलती है, हालांकि गंगा जो है वो गढ़वाल एरिया से निकलती है, पर बाकी जो नदियाँ हैं इंडस और सतलज, उन्हीं के आसपास, यानी मानसरोवर लेक के पास जो कैलाश पर्वत है, उसी कैलाश पर्वत का एक हिमनद है, जिसे चिन्मयानुदुंग कहते हैं ग्लेशियर। इस चिन्मय, तो कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो स्रोत कहाँ है, तो आप, या कौन सा हिमनद है, तो आप इस चिन्मयानुदुंग ग्लेशियर का नाम जरूर याद रखेंगे। इस ग्लेशियर से इसका इसका उद्गम होता है। वो ग्लेशियर कहाँ है, कैलाश पर्वत पर है, कहाँ, मानसरोवर झील के पास, ठीक है। वहां से जैसे ये प्रवाहित होती, जैसा कि आपने मानचित्र में देखा है, वहां से निकलते ही ये तिब्बत में, तिब्बत रीजन में, इट इज नोन बाय द नेम ऑफ यारलुंग सांपो, ये सांपो नदी के नाम से जानी जाती है। तो कई बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि भारत में प्रवेश करने से पहले इस नदी का नाम जो है वो क्या होता है तिब्बत में, तो आप ध्यान रखें, ये यारलुंग सांपो जो है वो नदी के नाम से वो तिब्बत में जानी जाती है। इट इंटर्स इन इंडिया बाय द नेम्स ऑफ सियांग एंड दिहांग, यानी अगर आप इसका मानचित्र देखें तो आपको लगेगा कि जब ये भारत में प्रवेश करती है यहाँ इस जगह पे, ठीक है, ये देख रहे हैं सियांग एंड दिहांग, ये दो नदियों के नाम से यहाँ ये प्रवेश करती है, ठीक है, ये सियांग नदी है,
यहाँ से, इसके बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ आती है, यहाँ दूसरी नदी और मिलती है दिहांग वगैरह, उसके बाद आसाम इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो यहाँ तो दो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज आती हैं, यहाँ तो आई थी सापो के नाम से और यहाँ आके सियांग और दिबांग के नाम से आ गई, और उसके बाद ये दोनों नदियां आगे की तरफ जब बढ़ती हैं तो सियांग और दिहांग नदियां, उसके बाद क्या होता है, आफ्टर इट ज्वाइंड बाई इट्स टू मेन ट्रिब्यूटरीज दिबंग एंड लोहित। यानी आप इसको ये समझें कि जब वो तिब्बत से भारत में आती है नमचा भरवा जो हमारा गैप है, उस गैप के थ्रू अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो वहां तक वहां उसका नाम सियांग और दिहांग होता है, ठीक है। और उसके बाद आगे जैसे वो बढ़ती है अरुणाचल प्रदेश में ही, इसमें दो नदियां और आके मिल जाती हैं जिससे हम दिबंग और लोहित कहते हैं। तो दिबंग और लोहित आप देखें यहां मानचित्र में, इधर से आती है लोहित ये नदी, ठीक है, ये नदी आती है लोहित और ये आती है दिबंग, यहाँ तो ये सियांग, ठीक है, सियांग और दिहांग। और उसके बाद इस दिबांग के मिलने से और इधर के लोहित के मिलने से आगे जब ये प्रवाहित होती है इस जगह पे, तो फिर यहाँ से इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। तो इस तरह से ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो शुरू में तो सियांग और दिहांग के नाम से इंटर करती है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद वहीं उसे दो नदियां और मिल जाती हैं जिसे हम दिबंग और लोहित कहते हैं। इसके बाद ही लिखा हुआ इट इज नोन बाय द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्रा। इस नदी के मिलने के बाद जब जल आगे की तरफ प्रवाहित होना शुरू होता है तब वहां इसका नाम ब्रह्मपुत्रा होता है, जबकि वो अरुणाचल प्रदेश से निकलकर आसाम में प्रवेश कर चुकी होती है, ठीक है, ये नदी। और उसके बाद एक बड़ा यूनिक फीचर जो है वो डेवलप होता है दुनिया के और सारी नदियों के में भी होता है, उनके बेड्स में, ये एक ऐसी नदी है भारत की ब्रह्मपुत्रा जहाँ लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फ्रेश वाटर, यानी नदी में जो आइलैंड बनते हैं जो द्वीप बनते हैं उनको फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड जिसको हम कहते हैं, नदी द्वीप जिसको हम कहते हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप जिसको हम मजूली आइलैंड कहते हैं, ये मजूली आइलैंड लिखा हुआ है मजूली आइलैंड। तो ये कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मजूली आइलैंड कहाँ है, एक तो ये पूछा जा सकता है किस नदी में, या दुनिया का सबसे बड़ा, हालांकि अब जो नई रिसर्च है जिसमें कहा जाता है कि अमेजन नदी में द्वीप है जो सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन अभी तक भारत के संदर्भ में ये माना जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो मजूली आइलैंड है जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी में ही हुआ है। अच्छा, ये कैसे होता है, अभी हमने बात की थी कोसी के संदर्भ में ब्रेडेड स्ट्रीम की, ये नदी भी जब निचले भागों में आती है तो वहां क्या होता है, इसका जल जो है वो फैल जाता है और फैलने की वजह से जो डिपोजिशन होता है मटेरियल का, यानी अवसादों का जो निक्षेपण होता है, उन अवसादों की वजह से छोटे 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 कई सारे द्वीप बन जाते हैं नदी में ही। जैसे आप बाहर से देखेंगे तो जैसे नदी में लगेगा छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ये द्वीप है मजूली, लगभग इसकी लंबाई 90 किलोमीटर और चौड़ाई तकरीबन 20 किलोमीटर है। तो इस तरह से 1800 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जिसे हम कह सकते हैं तकरीबन, वो ये मजूली द्वीप का है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो नदी के बीच में नदी द्वारा निर्मित ये द्वीप है, स्वयं उसके द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से निर्मित है, इसीलिए इसको कहा जाता है रिवराइन आइलैंड, नदी द्वीप। इट फ्लोज इन बांग्लादेश बाय द नेम ऑफ जमुना। आप देखें जब ये नदी आसाम को पार करती है, ठीक है, आसाम को पार कर गई, असम कहाँ है, ये असम का पूरा राज्य, ठीक है, यहाँ से जैसे ये थी अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद ये आ गई असम, ठीक है, असम को पार करती हुई जैसे ये बांग्लादेशी दिख रहे हैं ना, बांग्लादेशी यहाँ से, ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये बांग्लादेश में यहाँ से निकल के और इधर आती है, फिर बांग्लादेश ये आ रही है हमारी गंगा इधर से, ठीक है। तो ये बांग्लादेश में जब आती है तो बांग्लादेश में इसका नाम बदल जाता है क्या, जमुना, इसका नाम हो जाता है जमुना, जैसा हमने उससे पिछले वाले मानचित्र में देखा था कि वहां फिर ये बांग्लादेश में आने के बाद इसका नाम जो है वो जमुना हो जाता है। तो ये क्या जमुना, फाइनली इट मर्जेज विद द गंगा रिवर। अगर आप पुराना मानचित्र जो हमने शुरू में देखा था उसको देखें तो आपको लगेगा कि ये नदी तंत्र जो है, यहां देखें आप कि ये थी गंगा, यहाँ ये पद्मा हो गई, ये पूरी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र यहाँ आती है कहाँ, बांग्लादेश में इंटर करती है, तो लिखा हुआ ये जमुना, तो बांग्लादेश में इंटर करते ही इसका नाम जो है वो जमुना हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पद्मा और जमुना मिल जाती हैं। यहाँ से एक और दूसरी नदी मेघना आती है,
तो आगे चल के ये देख लें, ये मेघना लिखा हुआ, इस मेघना नदी के नाम से ही ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो फाइनली ये गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जहां एक विशाल डेल्टा का निर्माण इन नदियों द्वारा किया जाता है, जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं, यही सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो है वो ये एक विस्तृत स्वरूप था। यहां से देखें आप, अब ये डेल्टा का निर्माण हुआ है। तो ये नदी हमारी जो है वो ये मेघना आई और ये ब्रह्मपुत्र आई, ब्रह्मपुत्र इधर से जमुना, ये जमुना, और उसके बाद यहाँ मिल गई। तो फाइनली इसका जो कोर्स है वो ये है कि वो कैलाश मानसरोवर से निकलकर कहाँ से निकलती है, कैलाश रेंज से, यहाँ से निकलकर और फाइनली जो है वो गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इस तरह से ये ब्रह्मपुत्र नदी का एक सिंपल कोर्स था, कहाँ से निकली और कहाँ तक पहुंची। इसके बाद की क्लास में अगर हम देखें आगे, तो आगे इसका जो मैटर देखें वो अब हम बात करेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये नदी सिर्फ अकेली नहीं है, बल्कि जैसे बाकी सारी नदियां हैं उसी तरह से बहुत सारी सहायक नदियों के साथ ये आगे की तरफ प्रवाहित होती है। तो इसमें जो प्रमुख नदी है, इसमें भी कुछ नदियां बाएं तरफ से यानी उत्तर की तरफ से, कुछ नदियां बाएं तरफ से यानी दक्षिण की तरफ से, और कुछ नदियां दाहिनी तरफ से यानी उत्तर की तरफ से इसमें आके मिलती रहती हैं। तो हम एक एक करके नदियों की बात करेंगे। तो पहले जो है वो धनसिरी रिवर की हम आपसे अगर बात करें, तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है जो दक्षिण की तरफ से इसमें मिलती है, जिसे हम लेफ्ट बैंक कहते हैं। इट इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, इसके बाईं तरफ से मिलने वाली नदी है, जो कि लियासांग पीक ऑफ नागालैंड, नागालैंड से निकलती है। नागालैंड जो नागा श्रेणियां हैं, उस नागा श्रेणियों की एक चोटी है जिसका नाम है लियासांग, और इस लियासांग चोटी से इसका उद्गम होता है। इट इज द मेन रिवर ऑफ गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम एंड दीमापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। ये दो नदियां यानी आसाम और नागालैंड के बॉर्डर पर ये नदी स्थित है। अगर आप देखें इसका सही कोर्स जो धनसिरी का, जो ब्रह्मपुत्र में जाके इधर से मिलती है, ठीक है, इस तरफ से ये लिखी धनसिरी, तो ये नागालैंड, ठीक है, और ये आसाम, नागालैंड ये दिख रहा आपको नागालैंड, ये नागालैंड की यहाँ से निकलती है और उसके बाद आसाम में एंट्री करके यहाँ चले जाके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ये है धनसिरी नदी, ठीक है, जो असम के गोलाघाट और नागालैंड के दीमापुर डिस्ट्रिक्ट से होती हुई ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो इन दोनों जिलों की ये प्रमुख नदी है। उसके बाद हम बात कर रहे थे, जैसे हमने देखा था अभी, उसके बाद लोहित रिवर, लोहित रिवर की हमने बात भी की थी। ये नदी जो है वो लोहित नदी जब यहाँ मिलती है दिहंग और लोहित आके आपस में यहाँ दिबंग और लोहित, उसके बाद ही यहाँ से फिर इसका नाम ब्रह्मपुत्र चेंज होता है। ये नदी देख रहे हैं, ये है लोहित, ठीक है। तो लोहित जो है वो एक सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इसकी, इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इट इज एन इम्पोर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड राइज इन द ईस्टर्न तिब्बत रीजन। कहाँ से निकलती है, ये भी तिब्बत रीजन से आती है और उसके बाद प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, फिर जो है वो मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। तो वही तिब्बत रीजन से निकलती है, इट फ्लोज थ्रू द मिशमी हिल्स, जो फिर आगे चल के जो आसाम की जो पहाड़ियां हैं, जो मिशमी, उन पहाड़ियों के बगल से गुजरती है। इट ज्वाइंस द लेफ्ट बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र एट सादिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो सादिया जगह है, अभी आपने आगे बात करेंगे उसकी, कि इस ब्रह्मपुत्र में जाके कहाँ मिलती है, वहाँ से आई तिब्बत से निकल के और अरुणाचल प्रदेश में ही ये मिल जाती है। किस जगह पे, सादिया एक जगह, ठीक है, सादिया जगह पे ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे कंपटीशन में पूछी जा सकती है, वो ये बात है कि द न्यूली कंस्ट्रक्टेड मैसिव ढोला सादिया ब्रिज, जिसे हमारे अभी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन भी किया था, वो ब्रिज जो है वो यही ढोला सादिया ब्रिज है, जिसे हम भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, वो इसी लोहित नदी पर ही निर्मित है, जो अरुणाचल प्रदेश को जो है वो चीन से कनेक्ट कर रहा था। तो वो जो पूरा एरिया है, कई किलोमीटर का एरिया काफ़ी कम हो गया है, इस नदी को पार करके बहुत घूम के जाना पड़ता था, कई सौ किलोमीटर, तकरीबन 300-400 किलोमीटर की दूरी बढ़ जाती थी, वो दूरी कम हो गई है इस लोहित नदी पर, ये भूपेन हजारिका बांध बनने की वजह से। तो ये एक दूसरी लेफ्ट बैंक इंपॉर्टेंट रिवर थी,
उसके बाद ये जो है यहाँ देखें, इस चीज को आप जरूर याद रखना, ये धोला सादिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। अब आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में इस ब्रिज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज थी ब्रह्मपुत्रा नदी की। आगे जो सहायक नदियां हैं उसकी बात हम आपसे अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।